शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मालूम है कि बीवी बच्चों में झगड़ा पहले ही नहीं था, गवर्नमेंट की पेंशन मिलती है, महाबलेश्वर के हरे रुख देते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। मुन्नी तो बड़ी होगी, स्कूल जाती होगी ना? स्कूल क्या मास्टर जी, उन्होंने तो कॉलेज भी खत्म कर लिया। अब तो मुझे हमेशा उसकी शादी की फिक्र रहती। मुन्नी बेटे, ये है मेरे मास्टर जी, ये है मुन्नी। ये मुन्नी है या मुन्ना? बस बदल गया मास्टर जी, अगर इनको मौका मिले तो ये हमें साड़ियाँ पहना दे। सच कहा बेटा, कल जो है भोर कल जो। अच्छा अब तुम थके हुए हो, अपने कमरे में जाके आराम करो, तो दूर से बैठ के बातें करें। अच्छा जी, चलो बेटा।
खुशी के ये दिन दिन है खुशी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के ये दिन दिन है खुशी के ये दिन दिन है खुशी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के ये दिन ओ हो 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 है सुहाना समा प्यार का सारी जिंदगी में एक बार का ये है सुहाना समा प्यार का सारी जिंदगी में एक बार का सुन ले सूर्य बांसुरी के सुन ले सूर्य बांसुरी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के ये दिन ओ हो 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 जो यूं ही इंतजार में फिर क्या मजा है इस बहार में बीते जो यूं ही इंतजार में फिर क्या मजा है इस बहार में ये पल हाय बेकसी के ये पल हाय बेकसी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के ये दिन ओ हो 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 साज तू मेरी आवाज है मैं साज तू मेरी आवाज है तू मेरी जिंदगी का राज है तू मेरी जिंदगी का राज है तुझ बिन क्या करेंगे जी के तुझ बिन क्या करेंगे जी के साथी जिंदगी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के ये दिन दिन है खुशी के ये दिन दिन है खुशी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के ये दिन हेलो मिस्टर सैगल कहीं कैसे आना हुआ हमारी एलेक्स जॉनसन कंपनी ने बॉम्बे से महाबलेश्वर तक शॉर्टकट सड़क बनने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है
मैं उसका सर्वे करने आया। सहगल साहब, हमें भी कोई अपनी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट दिलाइए। आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, आप हमारी कंपनी में कहाँ इंटरेस्ट है। क्या कह रहे हैं आप, क्यों खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। अगर यही बात है तो इसी हफ्ते हमारी कंपनी एक नए कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर्स कॉल कर रही है, आप भी अपनी कोटेशन भेज दीजिए। जरूर जरूर, चलिए ना, चाय वगैरह पियेंगे। थैंक यू वेरी मच चारू सच्ची, मुझे चलती फिर कर। थैंक यू। मोहन मोहन मोहन, चौकीदार को तो आवाज दे ले। अरे अंदर चल, चौकीदार भी आता रहेगा। मोहन मोहन, मुझे यार ये डाक बंगलों कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ, भूतिया महल जैसा लगता है। क्या कहा, भूतिया महल? चल के यार, हिम्मत कर। मोहन मुझे डर लगता है। सत्य बिल्ली से डर गया घर को कहीं के। चल मोहन, ये कमरा भी अच्छा है यार, आईना भी है ना। ये किताब किसकी आवाज है भाई, किसकी आवाज है? ये दिन है खुशी के, आजा रे आजा मेरे साथ जिंदगी। ला 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 ये दिन है खुशी के, आ जा रे ला 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 ला। ये दिन है खुशी के। अरे वही आवाज वाली। चलो बाहर चले। बाबूजी, ये जेंटलमैन भी चोर हुआ था। भाग गए बदमाश। चलो जाइए। Thank you.
یہ رقص ہے یا رقص بسمل تائرنگی صورت شاخ بید لرزان جس میں شولہ بار مثال مجنو ارارو پریشان جی ہاں درین چشک استاد زمان درین چشک قبلہ یہ رقص مثال طاہر بسمل ہمارے گلستان رحم و کرم میں چشم الطاف کو ابلنے پر مجبور کر رہا ہے درست فرمایا آپ نے جی ہاں یہ وچتر منش کس دیش سے آویرباب ہوئے ہیں دہن مبارک سے کیا فرمایا آپ نے جی ہاں فرمایا ہے کہ 9-2-11 ہو جائیے ورنہ حضور کا کریا کرم یہی ہو جائے گا جی ہاں مضمون خشونت کلام درستی آمیز اور غیظ و غضب انگیز سے اس محفل رنگی کو برہم نہ کیجیے جی ہاں آسان زبان میں بات کرتے زبان کٹتی ہے کیا استاد عالی مقام کا یہ فرمانا ہے کہ یہ پسند نہیں یہ رقص بسمل جو زبان انگریزی ٹویٹ ہمیں پسند نہیں بالکل نہیں یہ لوگ تو ڈانس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی ہاں ہمارا شاگرد میاں رشید راک اینڈ رول میں ماہر اور کامل ہے اس کا رقص ملاحظہ فرمائیے اگر اللہ توفیق عطا فرمائے جہاں تو آپ ان کا ساتھ دیجیے جہاں مگر راک اینڈ رول اور اس عمر چشمے بدبو بیوی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کی مہربانی سے اور اللہ کے فضل سے میری عمر 20 میں 4 کم ہے ماشاءاللہ چھوٹی بھی ذرا باجا تو بجاؤ جی ہاں اجازت تھینک یو ویری مچ بھلے منش کو چور کہنے کی سزا جہاں اور میں میڈم چور کا ساتھی بائے بائے جان بچی اور لاکھوں پائے ہٹ کے بدو گھر کو آئے کیا لڑکی تھی طبیعت صاف کر دی آ گئی چھوٹے بابو ہاں چھوٹے بابو یہ تان ہے آپ کا جی بھائی تان کس کا ہے کٹی نے کیا لکھا ہے میرے بارے میں اما کٹی کا نہیں بھابھی آ رہی ہے بھیا لینے گئے تھے نا بھیا لینے تو کیوں منہ لٹکا رہا ہے بھابھی آ رہی ہے تجھے تو خوش ہونا چاہیے وہ تو ٹھیک ہے مگر سویرے اسٹیشن جانا پڑے گا تو کیا ہوا ابھی سے الارم لگا کر سو جا اپن جاتا ہے تو کہاں جا رہا ہے ارے مجھے بہت ضروری کام ہے یار سمجھ گیا کیا سمجھا تو کیا سمجھا کسی کے پاس جانا چاہتے ہو کسی کے پاس جانا بنتا ہو تم کہاں جا رہی ہو ارے اس گمرچو کے ساتھ کہاں جا رہی ہو بے گمرچو کے بچے 32 کے 32 دانت توڑ دوں گا ارے کہتے رہے چندرو
तुम तो कितने अच्छे हो। मैं जरूरी काम से कहीं जा रही हूँ, तुम अच्छे बच्चों की तरह घर चले जाओ ना। अरे तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, अरे तुम कहोगी ना तो मैं आसमान से जमीन पे गिरूंगा। अरे बच गया है, ये तो चौसठी निकाल देता। चौसठी बाय बाय। मेरी किडी कितनी अच्छी, जब भूतू आदमी हूँ। मैं माफी चाहता हूं कि मैं आ नहीं सका, मगर मैं 11 बजे तक जरूर पहुंचूंगा। डेफिनेट विद मिस्टर मलोनी का रूम नंबर क्या है? जी मिस्टर मलोनी यहां पे खड़े साइकिल। हेलो, तू विदाई से कब वापस आया? कुछ दिन हुए। मुझे इत्तला तक नहीं किया। अमार सबसे पहले तुम्हारे घर पे गया था। रियली? हाँ, और मालूम पड़ा कि जनाब किसी शिकार पे गए हुए। हाँ याद, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। अच्छा ये बता, यहाँ काम क्या करते हो? भाई एलिक जॉनसन में इंजीनियर हो गया। वंडरफुल, स्प्लेंडेड। ये तो बता, कमारा ही वापस आया या? यार ये तुझमें बड़ी बुरी आदत। ये प्राइवेट बातें अंदर करते हैं। अंदर से है समझा गया। समझ गया समझ गया। फिर तो मैं घर पर ही आके बात करूंगा। घर पर? घर पर, घर पर। समझदार हो गया। बाय बाय बाय। रूम नंबर 10। थैंक यू। भाई भाई तुम्हें आला आला। भाई क्या बात है, आज तुम बहुत खुश खुश नजर आते हैं। हाँ सुंदरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम एक मिनट बता, अमित खाना लेके अभी आता। आज फिर साइकिल मिला, कितना खूबसूरत, कितना अमीर, कितना अच्छा। भाई भाई खाना खाना। पाव भाजी। भाई महीने की आखिरी तारीख है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, 300 रुपए तुम्हारा पगार है, 200 रुपए तुम कपड़े पे खर्चा करता, 25 रुपए खोली चा भाड़ा, 15 रुपए तुम दरबान को देता, बाकी घर का खर्चा, और 6 महीने से हमारा पगार भी। तुम्हारी पगार तो भाई हम एक बात बोलेगा, तुम खाली पीली 18 रोज उस दरबान को काहे को देता है। सुंदरी भाई तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आएगी, जब दरबान सब लोगों के सामने मुझे सलाम करता है ना, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है भाई, कल से हम उसी जगह पे खड़ा होकर तुमको सलाम मारेगा, इस तरह हमारा पगार भी मिल जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। अरे सुंदरी भाई तू काहे को फिक्र करती है, साल भर की पगार मैं इकट्ठी दे दूंगी। भाई साल भर की पगार? क्या तुमको कोई खजाना मिला है? बहुत बड़ा खजाना। खजाना मिला रे। अरे जाके सो जा ना। अच्छा झोंक नहीं पाई, चल चल जा। अच्छा भाई तुम कहते तो सोता है, पर हम कौन सा बैंक में ही अपना पैसा रखेगा भाई। सात बज गए। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते। नमस्ते बीबी जी। नमस्ते। तुम सामान उठा के जाओ, चलो भैया। मर गए, मर गए। अभी तक सो रहे हैं। बर्फ
नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। अभी तक सो रहे हैं आप लंबी टांग के? जी भैया, बात यह है कि मैं तो छोटी टांग के सो रहा था मगर लंबी हो गई। गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो बैठो। बैठती हूँ। अच्छे देवर हो, दूसरी बार मैं कैसे आई? इतना भी ना हुआ कि भाभी को लेने स्टेशन चले आते तार के जवाब में। तार? कौन सा तार? कैसा तार? तार नहीं मिला तुम्हें? जी नहीं, तार नहीं मिला ना, मगर तू खड़ा खड़ा क्या लेगा? जल्दी जा, चाय वाय बना के ले आ। जी जी, क्या जल्दी जा। समझ गया, जाता हूँ सर। कमाल है भैया, अगर तार मिलता तो मैं स्टेशन पर मिलने नहीं आता। ताज्जुब है। समझ में नहीं आता, दिया तो था, एक तुम्हें और एक अपनी सहेली यहाँ रहती है। हाँ? उसको खत लिखा था। अच्छा, ना वो आई ना तुम आए। अच्छा डैडी, ये तो बताइए आपने किस किस को बुलाया है? यही चंद दोस्तों को। यूँ तो पार्टी एक बहाना ही होती है अपना कारोबार बढ़ाने का। कुंदन लाल जी को बुलाएंगे, सुरेंद्र कपूर को, सहगल को। ये सहगल कौन? एली जॉनसन कंपनी में इंजीनियर है, ठेके वगैरह का काम उसी के हाथ में है। ओ, पर मैं तो आपके बर्थडे पे ऐसे लोगों को बुलाऊंगी जिनको आपके बर्थडे की सच्ची खुशी हो। ये देखिए, ये किसका खत है? मेरी सहेली शोभा का, वो आजकल यहाँ है ना, उसकी यहाँ शादी जो हो गई। हाँ जरूर बुलाओ, अगर किसी और को भी बुलाना चाहती हो तो बुला लेना। अच्छा अच्छा डैडी, डैडी बात कुछ बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो बोलो क्या बात है? मैं आपकी पार्टी में डांस करूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर। थैंक यू डैडी, मैं आपकी शोभा क्यों जाती हूँ। हाँ जा, मैं तुझसे नहीं बोलती। खत डाला था फिर भी स्टेशन पर नहीं आई, तो बड़ी पक्की है। अरे तेरा खत ही देर से मिला था, तुझे बहाने बनाने खूब आते हैं। तू मेरी शादी में भी नहीं आई थी। बात यह है, मुंबई में जो भी आता है तोते की तरह आंख फेर लेता। अब तो तू भी मुंबई में आ गई। तू क्यों हंस रहा है? चल जा चाय ले आ। लाया जी। अच्छा सुनो, जीजा जी है कैसे? तेरे जीजा जी? अभी दिखाती हूँ। ये तो फोटो है, खुद कहाँ है? वो तो ऑफिस गए हैं। क्यों है ना सुंदर? दीदी जी चाय ले। अच्छा ये तो बता, चाचा जी ने तेरे लिए कोई लड़का देखा या नहीं? मेरे पैगी कहते हैं कि लड़की को लड़का खुद पसंद करना चाहिए। तो फिर किया कोई पसंद? पर सुन, एक आवाज पहाड़ पर सुनाई दी थी। किसकी? ये तो पता नहीं किसकी। इतनी जादू भरी, रसीली, इतनी अच्छी, काश मुझे कहीं मिल जाए। तू तो बड़ी भोली है, आवाज के साथ भी कोई शादी करता है? ओफो, शादी की कौन बात करता है। अरे ले, जिस काम के लिए आई वो तो भूल ही गई। देखो डैडी बस से पास दे रहे हैं और तुम जरूर आना, जीजा जी को जरूर लेके आना। अच्छा ले। और देवर को नहीं? तेरा देवर भी है? तेरे जीजा जी से भी सुंदर, देखेगी तो बस। अच्छा ये ले एक्स्ट्रा कार्ड, पर आना जरूर, बदला तो नहीं लेगी, मैं तेरी तरह थोड़ी हूँ। अच्छा चल। Thank you.
मेरा प्यार मेरी आरज़ू मेरे दिल को भा गई है आज तू ही तू हाय मैं भी आज मैं नहीं हूँ तू भी नहीं तू अरे चांद कले मस्तियों की आज धूम खुशी बजा रही है तालियां इतने पास है जो कल थे पर आए सामने है जो कभी थे ख्वाब में आए ला 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 लीरा देखती है पर निगाह सोचती नहीं क्या भरम है क्या है सच ये जानती नहीं ओ मेरे दिल की मंजिलें हैं बस यही कहीं चांद कले मस्तियों की आज धूम खुशी बजा रही है तालियां ओ आ ओ दिल से दिल मिला रहा है कौन देखिए तो प्यार से बुला रहा है कौन क्या खबर ये मुझको आजमा रहा है कौन चांद तले झूम झूम फिरक रही है घूंघर वालियां मस्तियों की आज धूम खुशी बजा रही है तालियां चांद तले झूम झूम फिरक रही है घूंघर वालियां हेलो दत्त साहब हेलो तशरीफ रखिए थैंक यू कैसे आना हुआ जी मैं ये टेंडर भर के लाया हूं ठीक है इसे रख दीजिए मैं देख लूंगा यूं समझिए मैं आप ही के सहारे ये सब कर रहा हूं वरना इतना बड़ा ठेका लेने की मुझ में हिम्मत ही कहां है शुक्रिया दत्त साहब लेकिन और भी 20 टेंडर आए हैं अगर डायरेक्टर्स को आपकी कोटेशंस ठीक लगी तो टेंडर पास हो जाएगा जी फिर भी आप ख्याल रखेंगे तो जरा उस दिन की पार्टी तो आपने एंजॉय की थी ना बहुत हाँ मैं एक बात कहनी तो बिल्कुल ही भूल गया था पार्टी की असली रौनक तो आपकी साहबजादी थी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नाचती हैं शुक्रिया मैं उसे बताऊंगा सहगल साहब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे जरूर भूलिएगा नहीं जी नहीं है मोनी का घर है मैं तुझे एक चिट्ठी लिख देता हूँ मोनी तक
माली ने अगर जूते मारना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? 6 फीट का जवान है, डरता है? मुझे कुछ नहीं मालूम, कर भला सो हो भला। लेके जा, कर भला सो हो भला, जूते भी खा लो। जय सूर्य देवता, जाओ जाओ, जय जय जय। आप किन है? लीजिए चरणामृत पीजिए। श्रीमती जी आप कौन हैं? कोई घर में है जी? आपको घर वाला चाहिए या मेरा मतलब है कि? मैंने कहा जी मोहिनी देवी है। जी हाँ वो तो है, मैं भी हूँ। आप उन्हें भेज दीजिए और आप चले जाइए। जी नहीं, वो सो रही हैं, मैं जाग रहा हूँ। उन्हें जगा दीजिए और आप सो जाइए। जी मैं कैसे सोऊं श्रीमती जी? हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी हृदयेश्वरी, मेरी प्राणेश्वरी, मेरी जोगेश्वरी। शर्म नहीं आती तुम्हें प्राय औरतें से बातें करते हुए? हाँ तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन? अरे भगवान, जिसे मैं अपना बनाता हूँ वही पराई निकलती है। अच्छा क्या बोलूँ, कौन आया है? आया नहीं, आई है। बोलो जी कौन आई है? चंद्रा देवी। चंद्रा देवी, कितना प्यारा नाम है। आप चंद्रा देवी तो मैं सूरज देव। आया मोहनी बाबा, आता हूँ। कितने बुरे समय में आवाज मारती है। चंद्रा देवी आइए मेरे रूम में बैठिए, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। आओ ना, क्यों शर्माती हो? देखो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, गरम चाय चाहिए, सोडा चाहिए, लेमन चाहिए, दूध चाहिए, मुझे बोल दो। चंद्रा देवी जी नमस्ते जी। मैं आपको ये संदेशा देने आया हूँ। मेरा मतलब है जी, मैं आपको संदेशा देने आई हूँ। ये मेरे पति ने गलती से मेरी सैंडल पहन के चले गए, इसलिए मैं उनका जूता पहन के आई हूँ। अच्छा जी नमस्ते। आई अल्लाह ये कुत्ता काटेगा तो नहीं? चंद्रा देवी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मोहन बाबा अंदर जा रहा हूँ। मोहिनी जी, कल मैं आपसे झील के किनारे मिलूंगा, वही आवाज वाला। करेक्ट, आप यहाँ भी पहुँच गए, आप क्यों मेरा पीछा कर रही हैं? कमाल है, पीछा तो आप कर रही हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी को ढूंढने आई हैं। मुझे बताइए ना, शायद आपकी मदद कर सकूं। आपने यहाँ किसी आदमी को देखा है? आदमी देखा है। कहाँ? प्लीज मैम साहब सुनिए। अच्छा अब सीरियसली बताइए, उसका नाम क्या है? नाम मैं नहीं जानती। शक्ल सूरत? शक्ल सूरत भी नहीं पहचानती। अजीब तरीका है आपके ढूंढने का, ना नाम जानती है ना पहचानती है उसकी शक्ल सूरत। परेशानी? मैंने आपसे कहा मैंने उन्हें नहीं देखा, मैं सिर्फ आवाज पहचानती। आवाज पहचानती है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो रेडियो वाली आवाज जी। अच्छा फर्ज कीजिए, अगर वो आवाज वाला अभी यहाँ इस वक्त आपको मिल जाए तो मैं, आप अपना सर उसके कदमों पर रख देंगी, उसकी पूजा करेंगी और आपसे मतलब? सुनिए, मतलब मुझे नहीं होगा तो और किसे होगा? थोड़ी देर के लिए यही समझ लीजिए कि वो आवाज वाला आदमी मैं ही हूँ। Oh,
मैं साज तू मेरी आवाज है, तू मेरी जिंदगी का राज है। मैं साज तू मेरी आवाज है, तू मेरी जिंदगी का राज है। तुझ बिन क्या करेंगे जी के, तुझ बिन क्या करेंगे जी के। आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के। ये दिन शोभा, अरे शोभा, क्या बात है? अरे बच्चे वो तुम्हें क्या पता, मैं तो पागल हो जाऊंगी खुशी से। बता तो सही, तुझे पता है मैं एक आवाज की तलाश में थी। हाँ वो मिल गया क्या? हाँ मिल गया। हाँ ये पहले तो आवाज ही आवाज से तो सूरत भी है, बहुत खूबसूरत है क्या? हाँ ये बड़ा खूबसूरत, इतना खूबसूरत। ये तो मेरी सहेली का घर है। आप सहेली की हवेली हो या वीराने में अकेली हो, मिलाप होता रहेगा कहीं नहीं। क्या मैं आपकी सहेली से मिल सकता हूँ? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शोभा ये वही है आवाज वाले जी? सूरत वाला भी जवाब नहीं आपकी सहेली का। माशाल्लाह आप भी कुछ कम नहीं, तुम भी कुछ कम नहीं हो। कान निकल गया, कान निकल गया भाभी, छोड़ दो छोड़ दो, मर गया भाभी। यही तो है मेरा देवर, मैंने कहा था ना तेरे जीजा जी से भी सुंदर है। अरे अरे तू कहाँ चला? कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का किला। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। किससे हो जुस्मर की लाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। ला मटर मैं छील देता हूं। चल चल
तू अपना काम कर। ज्यादा काम करोगी तो दुबली हो जाओगी और भैया मुझ पर बिगड़ जाएंगे। बस बस, मैं सब समझती हूँ, ये सब तू क्यों कह रहा है? समझती हो तो भैया से कह क्यों नहीं देती? देख मोहन, मैं तेरे भैया से उस वक्त तक नहीं कहूंगी जब तक तू किसी काम पर नहीं लग जाएगा। काम? अरे तो इतने दिनों तक मुझसे कहा क्यों नहीं? काम तो मैं यूं ढूंढ लूंगा, सिर्फ बात पक्की तू कर दे। हाँ हाँ कर दूंगी। कर दोगी ना? हाँ बाबा कर दूंगी। इमान से? शादी तो सभी करते हैं लेकिन तुझ जैसा दीवाना नहीं देखा। शर्मिंदा ना कर भाभी। मोनी बाबा, मोनी बाबा। क्या है? कोई साहब आया है। कौन है? नाम तो मैंने नहीं पूछा, लंबा सा है, बड़ा सूट बूट पहना हुआ है। तुम तरफ से इज्जत से बिठा। इज्जत? अच्छा। और सुनो, जरा चावल लगा दो। अच्छा। और कुछ सैंडविचेस वगैरह और देखो और ड्राई फ्रूट्स और कुछ पेंटिंग वगैरह फ्रेश फ्रूट्स। अच्छा, 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 और ये है नमकीन बिस्कुट, ये भी बहुत अच्छे हैं। और ये है सूखा मेवा, हाँ ये बहुत अच्छा है, खाइए ना, शर्माने की कोई बात नहीं, नेम साहब का हुक्म है। आप? नमस्ते। नमस्ते। चारू बच्चे हैं? है। है नहीं जी, मेरा मतलब है इस वक्त नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तुमने पहले को नहीं बताया ये साहब से मिलने आए हैं? साहब से मिलने आए हैं? तुम चुप रहो जी, माफ कीजिएगा, खामखा आपका वक्त आया हुआ। जी नहीं, उल्टा आपका वक्त आया हुआ। जी नहीं, उल्टा इसने वक्त आया किया। बैठी ना। जी मैं ठीक हूँ, आप फिर कभी तशरीफ लाइएगा। नमस्ते। नमस्ते। सुनिए, आप कल आइएगा ना? जी। गधा, जानवर, उल्लू, पौधी कहीं को। आपने मुझसे कहा? हाँ हाँ, नत्थू खारे को अंदर बुला लेता है, ऊपर से खाने को देता है, आदमी आदमी देख लिया कर। समझा मेम साहब, अब मैं आदमी भी देख लिया करूंगा और औरत भी देख लिया करूंगा। गधा, पाजी, नालायक कहीं का, मेरी भी बेइज्जती करवा दी। चोर कहीं का दिन दहाड़े चोरी करने आया है, भाग यहाँ से। किसी चीज से? मैं कहता हूँ अंदर जा और बोल मोहन मिलना है। अरे मैं तो अंदर जाऊंगा, पहले तू बाहर निकल, नहीं तो निकाल दूंगा तेरा मोहन। अरे ये फटफट नहीं करेगा, हम बोलते हैं बाहर जाओ। हरी बोल। हाँ हरी बोल, ऐसे जाओ शराफत से मानता ही नहीं है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मोहनी बाबा लो प्रसाद खाओ। हाँ वो बहुत साहब। हाँ मैंने उन्हें बाहर भी भगा दिया। क्या भगा दिया? अरे आप ही ने तो कहा था कि किसी यारे गारे नत्थू खारे को अंदर ना आने दिया करो। उल्लू, गधा, पाजी। उल्लू, गधा, पाजी। हरी बोल हरी बोल, जो आता है गालियों का प्रसाद दे जाता है। मोहनी बाबा कहो तो उसे फिर से बुला लाऊ। मोहनी बाबा। क्यों किट्टी, आजकल तो बहुत ऊंचा हाथ मारा है। क्या मतलब? हाय मर जाऊ गधा पर, वही जो साइकिल। साइकिल? कौन साइकिल? मैं तो किसी साइकिल को नहीं जानती। अच्छा हमें बना रही हो? वही एलेक जॉनसन एंड कंपनी का इंजीनियर। उसकी तो बात ही अलग है। चंद्र का क्या होगा? अरे मैं तो भूल ही गई थी, वो तो अभी आता होगा। ओहो, तब तो पिकनिक का सारा ही मजा जाता रहेगा। हाँ है, उसको आने तो दो, हम लोग सब मिलकर उसको खूब बुद्धू बनाएंगे। किति किति वो आ रहा है।
फिर दिल खो गया, ढूंढो कहाँ ढूंढो कहाँ है दिल रुबा, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय हाय ये क्या हो गया। देखो अपनी राई जेब में क्या रखा है इस फरेब में, छोड़ो धोखा बार बार का, क्यों करते हो ढोंग प्यार का। दिल खो गया हाय, मुश्किल की रात में रहता था साथ में मेरा वो दिल भोला भाला, पूछा किस बात पे निकला क्यों हाथ से, होगा कहीं कुछ घोटाला। दम भर में सपनों में खो गया, इतने में दिल पार हो गया। ये तो दुनिया का उसूल है, छोटी सी वो भूल भूल है। दिल खो गया ढूंढो कहाँ है दिल रुबा, हाय हाय ये क्या हो गया। गम है दिन रात का, इतनी सी बात का, मेरा वो दिल था तुम्हारा। मेरा ख्याल है मेरे मिजाज से करके छुपा है बेचारा। मेरा बिगड़ा हाल देखिए, बहकी बहकी चाल देखिए, शीशा लेके शक्ल देखिए, मिल जाए तो अक्ल देखिए। दिल खो गया ढूंढो कहाँ ऐ दिल रुबा, हाय हाय ये क्या हो गया। अले 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 अले, वो तो नादान था जग से अनजान था, जाता कहाँ बेसहारा। शायद उसको साथ मिल गया, छुपके वो बंबई चल दिया। बंबई वो किस लिए जाएगा, कौन उसे एक्टर बनाएगा। देख गया ढूंढो कहाँ ऐ दिल रुबा, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय हाय ये क्या हो गया। देखो अपनी दाई जेब में क्या रखा है इस फरेब में, छोड़ो धोखा बार बार का, क्यों करते हो ढोंग प्यार का। दिल खो गया हो गई सब तकदीरें, कुछ तकवा ने काम किया, देखा कौन है भाई। कौन है मोहन? अरे मेरा मोहन। अरे क्या हुआ, क्या हुआ?
और तो आ गया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। वाह, हुआ क्या ये तो बता? मेरी किटी की पतंग कट गई। पतंग कट गई? हाँ। वो कैसे? वही तुम्हारे दोस्त ने ऐसा पेच लड़ाया कि पतंग कट के झाड़ पे लटक गई और मैं जमीन पे ही खड़ा रह गया। वो मेरा दोस्त है कौन? अरे वही यार जो इंग्लैंड से आया है, दूसरों का माल हड़प करने का गुर सीख कर आया है। मगर नाम तो बता। अरे यार वही तुम्हारा दोस्त साइकिल। साइकिल? हाँ। ये तो उसकी पुरानी आदत है। लेकिन मेरी आदत तो ये नहीं है, मैं किटी के बगैर नहीं रह सकता मोहन, मुझे किटी दिला कर छोड़। अच्छी बात है, तू घबराना नहीं, मैं अभी साइकिल के पास जाता हूँ। तू जाएगा साइकिल के पास? देख मोहन, तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं किटी के बगैर नहीं रह सकता। मेरी, तू कर। मेरी? नहीं समझी, जब तुम बोलो तो तेरी और जब मैं बोलूं तो मेरी, क्या समझी? तेरी। मेरी? ये तो दिल की घंटी नहीं, दरवाजे की घंटी बज रही है, लगता है मालिक आ गए। अरे उठ, तू खड़ी खड़ी मुखिया देख रही है, जा किचन में, इधर से सटक जा और चपाती बनाना शुरू कर दे। आइए मालिक। सारा मामला चौपट कर दिया, क्या समझे? कुछ नहीं जी, मेरा मतलब ये है कि हुजूर को क्या तकलीफ थी जो कि आके हमारी घंटी बजाती है। जरा तमीज से बात करो, साइकिल साहब अंदर हैं? जी वो अभी तक दफ्तर से नहीं लौटे, क्या समझे? खूब समझा, फिर आते ही होंगे, मैं इंतजार करता हूँ। जी नहीं समझे, नहीं समझे, अब मेरा मतलब ये है कि जरा घूम फिर आइए। मेहमान को घर में बिठाने की इजाजत नहीं है क्या? जी बात दरअसल ये है कि इस घर में मर्द जरा कम ही आते हैं, क्या समझे? मैं तो बहुत कुछ समझ गया, तुम क्या समझे? मैं समझा। क्या मालिक? हेलो मोहन। हेलो। अरे खड़े क्यों, आओ बैठो ना। मैं बैठ तो जाऊंगा, मगर सुना कि तुम्हारे घर में मर्द नहीं आ सकते, क्या समझे? समझा, लेकिन मालिक ये बात मैंने इन्हें नहीं बताई। पकड़ो मत, जाओ चाय लेके आओ। कहाँ से इंपोर्ट किया है इसे? अरे छोड़ो जी, आओ बैठो। क्यों भाई, आज जिधर का रास्ता कैसे भूल गए? आज मैं अपने दोस्त चंद्रू की शिकायत लेके तुम्हारे पास आया। यानी कि तुम उसके बिलावेट को ले उड़े। बिलावेट? बिलावेट किटी। किटी? अरे यार उसके लिए कौन सीरियस होता है? Really? Absolutely. मैं तो आजकल एक ऐसे लड़की के चक्कर में हूँ जिसने मेरी नींद आराम कर दी। अरे छोड़ छोड़, तूने आज तक कभी सीरियसली मोहब्बत की है किसी से? अरे यार तुम्हें नहीं मानता। कैसे मानू? थैंक गॉड मैं सीरियसली इन लव हूं। सच? सच, ईमान से, ईमान से। कब मिला? वक्त आने तो मिलाएंगे। अच्छा तू बता, तेरी खुश जिंदगी में भी कोई कली मुस्कुराई कि नहीं? बोल 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 यार, सच बताओ। मैं भी एक चक्कर में फंस गया हूँ। वेरी गुड। अच्छा तू बता कब मिला? मैं तुझसे मिला हूँ? तौबा करो यार, राम भला करे। अरे यार डोंट वरी, मैं दोस्तों के साथ ऐसे नहीं करता। Can I trust you? Absolutely. Really? Absolutely. तुम किस लिए हंस रहे हो? चाय लेके आओ। अरे मेरी सुनो। नहीं नहीं, तुम चाय लेके आओ। तुम जाओ। आप सुनो प्यारे, आजकल क्या हो रहा है? नौकरी करने के ज्यादा। ख्याल तो बहुत नेक है, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कोई नौकरी है? नौकरी ढूंढ दूंगा। हाँ मैंने ठेकेदार का एक टेंडर पास किया है, मैं तुम्हें वहां नौकरी दिला सकता हूँ। अच्छा, अच्छी नौकरी है? जी बिल्कुल अच्छी। तुम फिर बोले? जबान फिर चल। दूसरी दफा मत फिसले। जी नहीं समझा। समझा करो। इस लिहाज से तो बहुत ही अच्छी है कि रोज मुलाकात हुआ करेंगे। स्प्लेंडेड, तो ऐसा करते हैं कल ही चल चलेंगे। ओके। अच्छा तो अब मैं चला। ठहरो, मैं भी उधर जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें ड्रॉप किया जाऊंगा। क्यों प्यारे, खैरियत तो है? अरे समझो। समझ गया समझ गया, मैं भी फटाफट तैयार हूँ। थैंक यू। अच्छा तुम दो मिनट वेट करो, मैं कपड़े चेंज करके अब भी आया। कोई बात, ओनली टू मिनट। ओके गुड नाइट। हेलो मिस्टर सैगल, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर दत्त, कंपनी ने आपका टेंडर मंजूर कर लिया। रियली? यस। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मगर आपने खुद आने की तकलीफ क्यों की?
टेलीफोन करवा दिया होता तकलीफ की कोई बात नहीं दत्त साहब, मैं इधर से गुजर ही रहा था, सोचा खुद ही होता जाऊं। वुड यू केयर टू जॉइन मी फॉर अ ड्रिंक? आई डोंट माइंड, एक्सक्यूज मी। सैगल साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आप तो जानते हैं मेरी इतनी हैसियत नहीं, ये 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मैंने आप ही के सहारे लिया है। अगर वायदे के मुताबिक मुझे आपने सब्सिडी ना दिलवाई। फिक्र ना कीजिए दत्त साहब, एलिक जॉनसन कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, और फिर मैं जो आपका अजीज मिस दत्त नजर नहीं आती। कौन? मोहिनी, वो अपनी सहेली शोभा से मिलने गई है, कल उन्होंने मेरी बड़ी खातिर। अच्छा, सहेली वो देखो आ गई। नमस्ते। नमस्ते। ओ ठीक है जी, आप फिर भी रहे हैं? बेटा सैगल साहब आए हैं, इन्हीं की वजह से हमारा टेंडर पास हुआ है, बैठिए ना। नो थैंक्स। आप ही ने तो कहा था कि मैं आ जाऊं। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि आपको डैडी मिल जाएंगे। देखिए मैं आपकी बात में नहीं आने वाली। जी गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। अरे बोतल कहाँ गई? मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी बेटा बोतल लाओ बेटे। नो डैडी, बस अब मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाओ प्लीज। बिल्कुल मां पर गई है, उसे भी मेरा पीना एक आंख नहीं भाता था। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूं। 11 बज गए, इतनी जल्दी? नो फॉर्मेलिटीज, विल मीट अगेन। ओह श्योर। मोहन, मैं यहां हूं, आ जा। ओके। परशुराम, एक प्याली चाय और ले आ। भाभी घर में नहीं है? नहीं, भाई साहब के साथ पिक्चर देखने गई। वेरी गुड वेरी गुड, अगर आप करेंगे जरूर। वो किताब में आप क्या पढ़ रहे थे अभी? जी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ। पिक्चर? ओहो, क्यों तुम किटी की तस्वीर नहीं देखता क्या? मुझे तो आलू देख किटी की तस्वीर देखने के लिए, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुका देख। अरे चल हट, अंगूर खट्टे हैं। यार मोहन, मेरी समझ में नहीं आता, तेरे तेरे मुकड़े से अपना मुकड़ा भी फर्स्ट क्लास है यार, लेकिन चिट्ठी अपने पर कुछ आशक नहीं होती। अमा लड़की मुकड़े पर नहीं, गुण पर मरती। गुण पर आया ख्याल है शरीफ में? शरीफ में तो आया, लेकिन आपसे गुण हमें क्या कमती है? क्या कमती है? हा? अरे मैं गाना जानता हूँ, मेरे गाने पर ही तो मरी थी वो। अरे गाना तो मेरे को भी आता है, मेरे को भी गाना आता है। अरे मोहन, अब मैं वैसा गाना गाऊंगा, एक ऐसा गाना गाऊंगा कि तू भी याद रखेगा कि मैंने क्या घास काटा है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। घास ही घास। अरे तस्वीर तो देते जा। तस्वीर तो चाय आ गई। चाय तो मैं किटी के हाथ का पीऊंगा। बाय बाय। चाय? तुम पी जाओ। प्रीते मम दशा रंगीले गावत आज प्रेम राग, गावत आज प्रेम राग, सुर बड़े नशीले। मम दशा रंगीले मनी पा मामा पानी पापा पानी पापा पासा पानी पानी
pasani panila madapa mabagama degat dani 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 pani 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 तेरे बिना जी न सकूं तेरे बिना जी न सकूं जी न सकूं न सकूं तेरे बिना जी न सकूं तेरे बिना जी न सकूं जी न सकूं तेरे बिना जी न सकूं तेरे बिना जी न सकूं लेकिन अब क्या मैं करूं लेकिन अब क्या क्या मैं करूं लेकिन अब क्या क्या मैं करूं सांस सांस कहते आस सांस सांस कहते आस जीले 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 ममद शाह रंगीले ममद शाह रंगीले गावत आज प्रेम राग गावत आज प्रेम राग सुर बड़े नशीले ममद शाह रंगीले रंगीले मालूम होता है तुमको हमारा गाना बहुत पसंद आया है किटी मैम साहब इसलिए तुमको 10 रुपया दिया मगर सुनो तुम अब यहाँ आना भी नहीं और गाना भी नहीं क्यों क्यों क्योंकि अब हमारी शादी होने वाली है क्या कहा शादी वेरी गुड वेरी गुड हमारी ठीक है हमको ऐसा लगता है कि तुमको हमारा गाना बहुत पसंद आया है देखो भाई अब हम यहाँ आएंगे ना तो दूल्हा बन के आएंगे ऐसे नहीं आएंगे हाँ तुम गलत समझ रहे हो चंद्रू मेरी शादी तो किसी और के साथ हो रही है क्या अब तुम यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट मत करा करो समझे समझा टाइम वेस्ट मत करो ठीक कहती हूँ हमने तो जिंदगी आप पर वेस्ट कर दी आपके लिए हमने क्या क्या नहीं किया मोहम्मद शाह रंगीले बन के तुम्हें गाना सुनाया और फिर भी तुम किसी और से शादी कर रही आई एम सॉरी चंद्रू वेरी वेरी सॉरी ठीक है अब तुम जाओ हाँ, हम तो जाते हैं आपको शादी मुबारक हो इन्हें तो मैं जानता हूँ हाउ डू डू मोहन हाउ डू डू सर चारुदत्त जी आपसे एक सिफारिश करनी है फरमाइए मोहन मेरा बचपन का दोस्त है बीएससी पास मेरी ख्वाहिश है कि ये आपके साथ काम करे जरा सी बात और इतनी लंबी तक काम किसका है आज से काम शुरू कर दो मोहन थैंक यू सर थैंक यू चारुदत्त जी पूजा
हाउ आर यू? ओह आई एम फाइन थैंक यू। चलिए पूजा का समय हो गया। हाँ जी चलिए। आइए शारदा जी, एक बात तो बतलाइए। कहिए। इस खुशी में कोई पार्टी, कोई दावत? क्यों नहीं, आज रात को बड़े मशहूर कवाल बुलाए हैं। बैठिए ना। खुदा ने सितमगर बनाया बनाया, तुम्हें हुस्न देके खुदा ने सितमगर बनाया, तुम्हें हुस्न देके खुदा ने सितमगर बनाया बनाया, तुम्हें हुस्न देके खुदा ने, तुम्हें हुस्न देके खुदा ने सितमगर बनाया बनाया। चलो इस बहाने तुम्हें भी खुदा याद आया जी आया, चलो इस बहाने तुम्हें भी खुदा याद आया, चलो इस बहाने तुम्हें भी खुदा याद आया जी आया, चलो इस बहाने तुम्हें भी सितमगर नहीं तो रुख से ये पर्दा हटा दो जी, ये पर्दा हटा दो हटा दो हटा दो, दादा अपने चेहरे की हमको झलक तो दिखा दो, अपनी आँखों में असर पैदा करो, दर्दे दिल दर्दे जिगर पैदा, जिगर क्या मोहब्बत की नजर क्या, के सर पत्थर से टकराओ तो उस पे हो असर क्या, अपनी आहों में असर पैदा करो, दर्दे दिल दर्दे जिगर पैदा करो, बाद में जल में हमारी देखना, पहले इसका फिर नजर पैदा करो, अरे सितमगर नहीं हो तो रुख से ये पर्दा हटा दो, जरा अपने चेहरे की हमको कहते फिरोगे दीवानो खुदाया खुदाया खुदाया, तो कहते फिरोगे दीवानो खुदाया खुदाया, तुम्हें हुस्न देके खुदा ने सितमगर बनाया बनाया, तुम्हें हुस्न देके खुदा ने। है किनारे के लिए हाँ, दिल म
मचलता है सहारे के लिए, हुस्न आशिक की नजर के सामने आप आता है नजारे के लिए। किनारे के लिए दिल मचलता है सहारे के लिए, उसने आशिक की नजर के सामने आप आता है नजारे के लिए। ये परवाना आया तभी जब शमा ने बुलाया, बुलाया बुला के जलाया, जला के कहा तू क्यों आया जी आया, बुला के जलाया, जला के कहा तू क्यों आया। चलो इस बहाने तुम्हें भी बुलाया जलाया जी आया, चलो इस बहाने तुम्हें भी पानी सरे सदा पमा पधामा गपा माधा पानी नी नी दादा पा गपा माधा पानी नी नी दादा पा है किसे अजी आप हो मेरे ये हसरत है किसे, अरे हम तो अपने इश्क पे कुर्बान है, तुम हसीनों से मोहब्बत है किसे। जरूरत है किसे आप हो मेरे ये हसरत है किसे, हम तो अपने इश्क पे कुर्बान है, तुम हसीनों से मोहब्बत है किसे। तुम्हें
मोहब्बत कहाँ थी हमें तो रहम तुम पे आया जी आया। मोहब्बत कहाँ थी हमें तो रहम तुम पे आया। सितमगर बनाया बनाया तुम्हें हुस्न दे के खुदा ने। मुंशी जी 50 बोरे सीमेंट कहाँ गया? काम पर लग गए हुजूर। काम पर के दाम पर बिक गया है? नहीं बिके नहीं हुजूर, आप क्या बात कर रहे हैं? आज मैं सारी चेकिंग करके ही घर जाऊंगा। आप कीजिए कीजिए हुजूर कीजिए। हुजूर ठेकेदार 99 के फेर में पड़ा है, अभी 3-4 घंटे घर नहीं जाएगा। लाइन एकदम साफ है, पहुंच जाओ गुरु। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। आप डैडी घर पे नहीं है? जानता, मुझे आप ही से काम। मुझसे? जी बैठिए ना, घबरा क्यों रही हैं? जी नहीं, मैं घबराई तो नहीं, डैडी अभी आते ही होंगे। आप चाय पीजिएगा। जी जी, मैं अभी बनवा देती हूँ। राधे 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 नहीं रहे, मैं खुद ही बना के लाती हूँ। चाय की जरूरत नहीं, जो नशा आपकी बातों में है वो चाय में कहा। जी जी, क्या आप हमेशा यही रंगते हैं? किस कदर हसीन, किस कदर शोर।
आप जवानी की निशानी खोलते हुए खून का रंग। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या काम है आपका? मेरा मतलब आप पिक्चर नहीं देखती? जी नहीं। मैं तो टिकट लाया था, एक पिक्चर लगी है शमा परवाना। उसमें सुंदर ने काम बहुत अच्छा किया है। तुम चुप रहो, जाओ एक प्याली चाय लेके आओ। चाय पत्ती खत्म हो गया साहब। जाओ बाजार से लेके आओ। साहब इस जूते ने पैर में काट खाया तो मैं आधे रास्ते में से लौट आया। तुम चुप रहो। मिस्टर सहगल अब आप जा सकते हैं। मिस पत, मैं जब भी यहाँ आया आपने मुझसे बेतनाई बरती, मुझसे बेरुखी की कोशिश की। आखिर पता तो चले मेरा कसूर क्या है, मुझ में किस बात की कमी है? कमी नहीं, ज्यादती है ज्यादती। आपने हमेशा मुझे ऐसी नजरों से देखा जिसे कोई भी शरीफ लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमेशा ऐसे इरादे से आए जिसे किसी की इज्जत गवारा नहीं कर सकती। मिस्टर सहगल अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं और डैडी की गैर हाजिरी में कभी आने की हिम्मत न कीजिएगा। साहब चाय पीजिएगा। आया बड़ा चाय पीने वाला। मैं कहता हूँ मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। सहगल मैंने एक बार तुझसे कहा, दो बार तुझसे कहा, तीन बार तुझसे कहा, लेकिन तू नहीं मानता है। तू जानता है कि मैं किसी को कितना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तू उसे नहीं छोड़ता। घूर घूर के क्या देखता है? अरे मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे झज्जे उड़ा दूंगा। तू समझता क्या है, मैं चंद्रू हूँ, चंद्रू किडी का छाने वाला। तुझे दिल में ठंडक हुई। हेलो डैडी। आज सहगल यहाँ आया था? हाँ डैडी, वही मैं आपसे कहने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं, उसके बारे में जो तुम्हारा रवैया है मैं उसे जानता हूँ। शायद तुम नहीं जानती कि मैंने हमेशा उसे तुम्हारे होने वाले पति के रूप में देखा है। आ बेटा बैठ। तुम्हारे बाप होने के नाते मैंने जो भी सोचा है बेटा ठीक सोचा है। वो खुद अमीर है, अमीर माँ बाप का बेटा है। ये ना होगा डैडी। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो तुम्हें जी जान से चाहता है। हर बार छोटी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बावजूद वो यहाँ आता है और तुम्हारे इर्द गिर्द मन लाता है। वो सब ठीक होगा, पर वो आपके अच्छा नहीं डैडी। आप उसे नहीं जानते, मैं जानती हूँ। तुम मुझसे ज्यादा जानती हो? हाँ, एक मर्द सारी उम्र देखते रहने के बावजूद दूसरे मर्द की निगाह में वो बात नहीं देख सकता जिसे औरत एक आधी नजर में देख लेती है। नहीं डैडी, मुझसे किसी की मत पर शादी नहीं करूंगी। आज अगर मां जिंदा होती। यकीन जानिए मैं खुद भी यही चाहता था, लेकिन बदकिस्मती मेरी बेटी मोहिनी को ये पसंद नहीं। ओ तो इसके बाद मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज है अपनी औलाद, अपनी अकलौती बच्ची की आंसू और प्यासों की कद्र करूं। लेकिन क्या आपकी बेटी बता सकती है मेरा हाथ यूं झटक देने की वजह क्या है? मोहब्बत और नफरत में वजह होती जरूर है सहगल साहब, लेकिन बताई नहीं जाती। मैं पूछ सकता हूँ? पूछी भी नहीं जाती। ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कंपनी के काम से इसका कोई ताल्लुक ना होगा। जी नहीं। नमस्ते। चारों तरफ की सब फाइलें लाओ अभी इसी वक्त। जी अभी लाओ। ये मिक्सर बराबर नहीं है। हेलो साहब। हेलो। क्यों ठेकेदार साहब? ये रेशो है सीमेंट और रेत की। क्या इसमें कोई गलती है? जी हाँ। क्या ये सब दीवारें इसी सीमेंट से बनी है? जी हाँ। तो इन्हें तोड़ दो, कंपनी ऐसा काम पास नहीं करेगी। लेकिन सागर टेक्निकली इसमें कोई मिस्टेक नहीं। इसका फैसला मुझे करना है। लेकिन ये काम आप पास कर चुके हैं, वो वक्त गुजर चुका है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा सागर साहब। इसका ठेका मैंने नहीं लिया। सुनिए सागर साहब, ये दीवारें गिरा दी जाए।
ऐसा सुन बस कीजिए सर साहब। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। आज अचानक सिग्नल का रवैया कैसे बदल गया? इसकी वजह मुझे मालूम है। क्या? वो मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। लेकिन तुम एक काम करो, साइकिल तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे जाकर समझाओ। जी बात है, आज मुझसे भी बेहद से बात कर रहा था। खैर आप बताइएगा, मैं भी करता हूँ। क्या समझे, हमारे साइकिल साथ से जो भी टकराएगा वो मुंह ही खाएगा। ठेकेदार को ऐसी जगह मारूंगा जहाँ पानी भी ना मिले। तो हुजूर ऐसा कीजिए, उसे समंदर में मारिए, अब पानी खारा होता है, पी भी नहीं सकेगा। क्या समझे? तो देखते जा, ठेकेदार की ऐसी मरम्मत करूंगा कि उसकी नवाबजादी सर के बल चल गया। ना 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 हुजूर, ऐसा ना कीजिए, सर के बल आने से चिड़िया गंजी हो जाएगी। क्या समझे? चुप है। आगे सुपुत्री चारू दत्त की। जी आइए। आ गई। आ गया। हाँ? जी मोहन बाबू नमस्ते। नमस्ते, क्या समझे? जी बिल्कुल समझे, सुपुत्री की जगह सुपुत्र। मोहन आओ। क्या मैं एलेक जॉनसन एंड कंपनी के चीफ इंजीनियर से पूछ सकता हूँ कि हजरत किस सुपुत्र के इंतजाम में बैठे हुए थे? छोड़ो हम, क्यों मजाक करते हो, आओ बैठो। बैठ तो जाऊंगा, मगर एक बात तो बताओ। क्या? आज तुम्हें वहां हो क्या गया था? वही ठेके पे यार, वो ठेकेदार का काम कर ही दो ना। देखो मोहन, मैं तुम्हारे लिए जो कहो करने को तैयार हूँ, लेकिन ये रहा कंपनी का सवाल, दरअसल मैं कंपनी को क्या जवाब दूंगा? फिर तुम्हें वो काम पहले से ही पास नहीं करना चाहिए था। भाई माना कि मुझसे गलती हो गई, मैं भी तो डरता हूँ कि कहीं फेवर करने में मेरी नौकरी ना जाती रहे। मगर कंपनी के हिसाब से हमारा काम तो ठीक ही चल रहा है, तुम कागजात पास कर दो। मोहन तुम कामों का जोर दे रहे हो, मैं अपनी रिपोर्ट कंपनी को दे चुका हूँ, अब ठेकेदार जाने या कंपनी, बहरहाल कुछ भी हो तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। अच्छा भाई, तुम कहते हो तो करना ही पड़ेगा, करोगे ना? थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं चला। अरे यार कहाँ जा रहे हो, डिनर खाके जाओ। नहीं यार, वहां भाभी और भैया इंतजार कर रहे हैं। फिर कभी सही। गुड नाइट। बॉस गुड और नाइट। बेचारा बड़ा भोला है जो ठेकेदार की सिफारिश करने चला आया था, वो उसका फर्ज था, जो कभी पूरा ही नहीं होगा। क्या समझे? सरकार आई। हुजूर ठेकेदार का मुंशी अब पधारिए, मैं भी पधारिए। आइए आइए। नमस्ते सरकार। आदमी काम के मालूम होते हैं। अजी बस हुजूर, आपके इशारे किधर है? लेकिन हुजूर उसकी क्या जरूरत थी, खैर आप देते हैं तो मैं रखे लेता हूँ। काम बताइए मुंशी जी। इतना सा काम है कि कल मजदूरों की हड़ताल करवा दीजिए। इत्मीनान से सो जाइए सरकार, कल सुबह मजदूरों के नारे ही आपको जगाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। आइए मुंशी जी, आइए। कल मजदूरों की हड़ताल। इस तरह मैं क्या नाम, इस तरह हड़ताल करने से तुम लोगों का मसला हल नहीं होगा। अब बिल पास हो जाने दो और ठेकेदार साहब खुद तुम लोगों को पगार दे देंगे। बिल पास नहीं है। किसने तुम लोगों की ये बात कही, किसने भड़काया तुम लोगों को? हमारे पेट ने भड़काया है, हमारे भूख ने भड़काया है। मोहन बाबू बिल पास होने की बात कर रहे हैं, इंजीनियर साहब ने सारे काम को गिरा देने का हुक्म दिया है, ये कभी नहीं हो सकता। सबको पगार मिल जाएगी। हटा 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 हटा। मुंशी जी इनसे कहिए काम शुरू कर दे, मैं अभी साइकिल साहब के पास जाकर पैसों का बंदोबस्त करके लाता हूँ। आप बिल्कुल जल्द कर रही है, काम फौरन शुरू हो जाएगा। आप जाइए। आप सुनो, तुमने साहब को मेरा कार्ड नहीं दिया? दिया था, मगर साहब उनको बुलाया। हद हो गई, 3 घंटे हो गए इंतजार करते हुए। साहब ने आपको अंदर बुलाया। माफ कीजिएगा,
अगर आपको इतराज ना हो तो पहले मैं अंदर हूँ, मुझे जरा जरूरी काम है। तभी जाओ बाबा। थैंक यू। किसने आने दिया आपको? जी तीन घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिजी हूँ, दूसरे लोग भी हैं। मैं जानता हूँ साहिल साहब, जानता हूँ, अब आपको मुझसे मिलने की फुर्सत क्यों नहीं। खुदा के लिए मेरे सब्सिडी के कागज रोक कर मुझे यू गारत मत कीजिए। मेहरबानी करके बाहर जाइए। सैगल साहब, बेकार में आप क्यों मेरा वक्त जाया कर रहे हैं? आप समझने की कोशिश कीजिए सैगल साहब, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अगर सब्सिडी का पैसा न मिला तो मजदूर भूखे मर जाएंगे, वो मेरी जान खा जाएंगे। खा जाए, मैंने कोई ठेका ले रखा है। प्लीज भगवान के लिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ सैगल साहब। दुनिया में हर आदमी का लड़ाई झगड़ा होता आया है, लेकिन आप रास्ते की लड़ाई लड़िए, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी मासूम बच्चे के जज्बात की कदर की। गेट आउट मिल्लू, राम दी सिक्का बाहर निकाल दो। बहुत अच्छा सिक्का। अब तो फिर क्या हुआ सरकार? ठेकेदार हमारे तलवे चाटने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। अब तो फिर आपने माफ कर दिया होगा? जी नहीं, हमने उसे धक्के मरवा के ऑफिस के बाहर निकलवा दिया। बुरा किया आप, उसकी लड़की आपको धक्के मार, जबान की तरह भी उल्टा बोल गया, वो आपके कदमों में आ गिरेगी। लो आ गई, आ गया, मैं भी गया। आओ मोहन, आओ। भाई खड़े क्यों हो, बैठो। ठेकेदार की सिफारिश लेके आए हो? सिफारिश भी एक किस्म की रिश्वत होती है, और मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझता। मोहन, कहना क्या चाहते हो? तुम अपनी हैसियत का नाजायज फायदा उठा रहे हो। नॉनसेंस, ये मेरे असूल के खिलाफ है। तो क्या मोहिनी की वजह से वसूल बदल दिए? मोहिनी? मोहिनी से तुम्हारा क्या रिश्ता? जिस रिश्ते की ख्वाहिश तुम्हें चारों तत्व को बर्बाद करने पर मजबूर कर रही है। आई सी, समझा। तो तुम भी मोनी के चाहने वालों में से हो। तुम्हें शायद याद होगा, मैंने एक मर्तबा तुमसे कहा था कि मुझे एक लड़की से प्यार है। मैंने भी बिल्कुल यही कहा था, मगर उसने तो तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है। इनकार को इकरार में बदलना मुझे आता है। मालूम होता है तुमने प्यार को बाजार की बिकाऊ चीज समझ रखा है। बट डोंट फॉरगेट, मोहिनी को तुम इस तरह नहीं पा सकते। चाहे मैं रहो, कहीं ऐसा ना हो कि परसों की दोस्ती एक पल में टूट जाए। दोस्ती? दोस्ती का मतलब भी तुम जानते हो? जी 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 जी। सैगल, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी, तुम इस कदर गिर गए कि एक बेटी का बदला उसके बाप से लेना चाहते हो। बिल्कुल, और उस वक्त तक बदला लेता रहूंगा जब तक कि मोहिनी मेरा प्यार कबूल न करे। ये तुम्हारे ख्वाब में भी पूरा नहीं होगा। राम का नाम लो ठेकेदार जी, पहले पिछली एक लाख की हुंडियां भर दो, म्याद खत्म हुई जा रही है। वो मैं रिन्यू कर दूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, हुंडियां भरना ना भूलिएगा। काश मुझे मालूम होता तो अपना सब कुछ एक ही दाव पर ना लगा देता। नहीं डैडी, नहीं, कभी भूल हो ही जाती। हाँ, मगर इतनी बड़ी भूल। नमस्ते चारुदत्त जी। नमस्ते जी। कहिए, अब आप क्या फरमाने आए हैं? फरमाने नहीं, अर्ज कन्या, क्या आपकी पोजीशन अब भी बच सकती है? अगर इस गाय को मैं तुम जैसे बूचड़ के हवाले कर दूं? जी नहीं जी, बात यह है कि सैगल साहब कंपनी के चीफ इंजीनियर बनने वाले। अब फैसला मेरे हाथ में है दत्त साहब। बड़े भोले बनते हैं सैगल साहब। आप शायद ये नहीं जानते चीफ इंजीनियर आप बनने वाले हैं, लेकिन फैसला मेरे हाथ में है। तुम तो जानते हो मेरा भाल भाल कर्ज में बिन गया।
बाप दादा के जमाने से लेकर आज तक जो मेरे पास था सब बिक गया, लेकिन एक चीज नहीं बिकी, मैं नहीं बिका साइकिल और ना बिकूंगा। हरे बाजार में मैं अपनी नीलामी बोलते देखूंगा, मौत के बिस्तर से अपनी जिंदगी की सब कुछ इस लड़की की मजबूर और तुम्हारी सत्या सुनूंगा, लेकिन इसका हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। मालूम होता है इनको आराम की जरूरत है। चले जाओ, निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मौत इंसाफ की सूरत में तुम्हें आ ले और ये पता भी ना चले कि इस कुत्ते को किसने मारा है। डॉक्टर, आज सुबह से दूसरा अटैक आने के बाद मैंने सिर्फ इन्हें पैथेडीन का इंजेक्शन दिया। खैर, अब ऑक्सीजन दे दी है, लंग्स पर जोर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप घबराइए नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए, इनके हार्ट अटैक होने की वजह मैं जान चुका हूं। मम्मी बाबा, और यकीन कीजिए मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। लाखों की रकम तुम कहां से दोगी? अनमोल जिंदगी को लाखों में ना तोड़ी, अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं कहीं भी ना रहूंगी। हमें इससे क्या मतलब, हमें हमारे रुपए चाहिए। आप मुझ पर दया कीजिए, आप लोग मुझे सिर्फ दो दिन की मोहलत दीजिए और मैं सच कहती हूँ किसी भी कीमत पर आपकी एक एक कौड़ी चुका दूंगी। चलो भाई, जहाँ स्टेशन खेले वहाँ दो दिन और सही, सोच लीजिए दो दिन से तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। जी नहीं। चलिए पहले बोहनी बाबा, इतनी बड़ी रकम आप कहाँ से देगी? तुम फिक्र न करो राधे, सब ठीक हो जाएगा। बाप की जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये सारा कर्जा उतारना होगा, लेकिन लाखों की रकम दो दिन में कहां से आएगी? ओह, कुछ समझ में नहीं आता। मोहिनी, तू अपने बाप की जिंदगी का सौदा करना चाहती है, अपनी मोहब्बत के लिए। तुझे अपने बाप से नहीं, अपने आप से प्यार है। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिर तुम मुझसे क्यों शादी कर? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मोहिनी, मैंने हमेशा सहगल को तुम्हारे होने वाले पति के रूप में देखा। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सोच कर रही, क्या तुम मोहन के लिए अपने बाप की जिंदगी का बलिदान देना चाहती हो? एक तरफ बाप की जिंदगी है, दूसरी तरफ तुम्हारी मोहब्बत। फैसला करो मोहिनी, तुम्हें क्या चाहिए, बाप या मोहन, मोहन या बाप, बाप या मोहन, मोहन या बाप, बाप या मोहन, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? सहगल साहब, आप कहिए देवी जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? भगवान के लिए एक बेटी का गुस्सा उसके बाप पर तो ना निकालिए सहगल साहब। बहुत दिलचस्प रिश्ता है जिसमें बाप तो बेटी के लिए बर्बाद हो जाने को तैयार है, लेकिन बेटी बेटी आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आप मेरे पिता को बचा लीजिए, उन्हें पैसा दिलवा दीजिए। हो, मैं इसका मतलब ये लूं कि सब्सिडी के कागज दिलवाने पे आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? जी जी, ये तो ठीक है मोनी देवी, लेकिन मैंने सुना है कि शादी के लिए मोहब्बत जरूरी होती है और आप किसी और से करती हैं। नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और किसी से नहीं।
मुझसे मोहब्बत? नहीं नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि आज तक कभी किसी ने कभी भी न की हो। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं निर्दयी, मुझे अपने पिता से प्यार है, इसलिए मैं तुमसे भी प्यार करूंगी। मुझे तुम वो कागज दे दो। लेकिन क्या भरोसा कागजात लेके कल तुम अपने वायदे से बदल जाओ? मैं नहीं जानती मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। मुझे अपने पिता की सौगंध, मुझे अपने पिता की सौगंध जो इस तक जिंदगी और मौत। लीजिए सेठ साहब, 50,000 मकान के और 30,000 देवर के, 80,000 हुआ। चलो भाभी। मोहन, मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, तुम्हारी बात और है। मोहिनी मेरी सहेली है, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि उसका सर अपनी सहेली के सामने नीचा हुआ। जाओ। जैसे तुम कहते हो। कंग्रेचुलेशन मोहिनी। मुबारक हो मोहिनी। क्योंकि कैसे सगाई करनी और हमें बताया तो नहीं, इतने भी क्या जल्दी थी। काश आपने मेरा इंतजार किया होता। मैंने कहा था ना, इनकार को इकरार में बदलना मुझे आता। मेरी पसंद पसंद आई ना, क्या मेरी पसंद से खुश नहीं हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं। कुछ सुनाओ ना। क्या तुम गायक हो? कुछ गाना सुनाओ ना। क्या गाना? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे मिलिए मिस्टर मोहन, मेरे अजीज तरीन दोस्त, बहुत अच्छे गायक है। आपके मनोरंजन के लिए ये गाना गाएंगे। आपकी महफिल में हम आपकी महफिल में भोले से चले आए, हम आपकी महफिल में भोले से चले आए। ओ माफ खता अपनी गर्दिश के हैं बहकाए, हम आपकी महफिल में था एक सपना, उन्हें समझे थे हम अपना, पराए हो गए हैं।
बिछड़ कर खो गए हैं वो, जब सा वो जमाना था वो धोखा भी सुहाना था, मगर अब याद क्या कीजे भला फरियाद क्या कीजे, हम आपकी महफिल में भोले से चले आए, हम आपकी महफिल में वफा का दम जो भरते थे, मोहब्बत पे जो मरते थे, वो हर वादा भुला बैठे, नई महफिल में जा बैठे, हमी में भूल की होगी, हमी में कुछ कमी होगी, जो वो आंखें चुराते हैं हमारा दिल जलाते हैं, हम आपकी महफिल में भोले से चले आए, हम आपकी महफिल में करने से क्या हासिल, नहीं चाहत के मैं काबिल, समझना मैं था दीवाना, भुला देना ये अफसाना, न अब तुमको सताऊंगा इधर मुड़ कर नाऊंगा, मैं करके दिल के सौ टुकड़े बिछा जाता हूँ इस दर को, हम आपकी महफिल में भोले से चले आए, हम आपकी महफिल में भोले से चले आए, तो माफ खता अपनी गर्दिश के हैं बहकाए, हम आपकी महफिल में। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, मोहिनी ऐसी लड़की तो न थी, जरूर उस पर कोई मजबूरी आ पड़ी होगी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तुम धीरज रखो मोहन, हौसला हारने से कुछ ना होगा। अरे भाई कोई घर में है? नमस्ते जी। नमस्ते भाई। अरे ये क्यों मुंह लटका बैठा है, क्या हुआ भाई? अरे यार मुंह तो मुझे लटकाना चाहिए। चंद्रू तुम इसे समझाओ, दिल हार चुका है। दिल हार चुका है? हाँ। कोई नई बात है, क्या हुआ भाई? मोहिनी की शादी हो रही है। मोहिनी की शादी? अरे तो खुशी की बात है। अरे हम मोहिनी की शादी किसके साथ हो रही है? सैगल के साथ। साइकिल के साथ? अरे साइकिल दो शादियां कैसे कर सकता है? क्या मतलब? मतलब साफ है भाई साहब, साइकिल ने किसी से शादी कर ली है। हा? और सुनो, क्या कहते हो? ठीक कहता हूं। फिर तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। मैं मोहिनी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। ये शादी हरगिज नहीं होगी, ये शादी हरगिज नहीं होगी। किसी का इंतजार? रात के वक्त किसी शरीफ आदमी के घर नहीं आना चाहिए। किसी के घर क्यों, अपने घर ही तो आई हूँ। अपने घर? हाँ,
अब तो यही मेरा घर है। सुनो, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मैं कैसे कहूँ? बोलो बोलो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने वाली? क्या बकती हो, मैं तुम्हारी चलाकी को अच्छी तरह समझता हूँ। तुम अपने पाप की निशानी को मेरे नाम की इज्जत देके बचाना चाहती हो? पाप? ये तो तुमने तो उसे शादी करने का वादा किया था ना? ये जरूरी नहीं, जिस समय शादी करने का वादा करो उससे शादी भी करो। ऐसा ना कहो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे क्या, तुम्हारी वजह से मैं अपने अरमानों की दुनिया बर्बाद नहीं कर सकता। और तुम मेरे अरमानों की दुनिया बर्बाद कर सकते हो? तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो या आबाद, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अब मैं भी वो लड़की हूँ जो खामोशी से आंसू बहाती है, अपने हक के लिए लड़ सकती हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मुझे अकेले मत समझो साइकिल, कानून मेरे साथ है। तुम्हारी इज्जत शोहरत सब कुछ बर्बाद कर सकती हूँ। केटी, मैं तो बर्बाद हो ही गई और अब दुनिया तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखेगी। केटी, तुम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक कि मेरी शादी ना हो जाए। तुम यही जियो और यही मरो। मेरा इस वक्त यहाँ आना तुम्हें बहुत बुरा लगा है क्या? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? किटी को उसका हक दिलाना। कैसा हक? वो हक एक लड़की की मांग में सुहाग का सिंदूर भर देता। वो हक मैं मोनी को दे चुका, अब वही हक तुम्हें किटी को देना होगा जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। ये सब झूठ है। झूठ है? झूठ है तो उसे कमरे में बंद क्यों कर रखा है? इस तरह कहीं उसकी आवाज दुनिया से ये ना कह दे अलेक जॉनसन एंड कंपनी का चीफ इंजीनियर मिस्टर साइगल, सोसाइटी का हर दिल अजीज, असल में एक अयास मक्कार और एक लाख से गिना हुआ इंसान है। मत कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने किसी से शादी नहीं की तो शादी के मंडप में कानून तुम्हें बरमाला नहीं हथकड़िया पहनाएगा। निकल जाओ मेरे घर से। जाता हूं मगर किटी को साथ लेकर। मोहन, दरवाजा खोलने की कोशिश मत करो। जो डर है मामला ज्यादा उलझाने की कोशिश करो वरना खून खराब हो जाएगा। साइकिल, दोस्ती के नाते आखिरी मरतबा कहता हूं सुधर जाओ, अब भी कुछ नहीं कहता। अब भी कुछ नहीं।
इल्जाम में पकड़ा गया। क्या? हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मोनी, मोहन, मोहन, मोहन ये सब कैसे हो गया? कहते तुमने खून नहीं किया, तुमने खून नहीं किया मोहन। मेरे कहने से कानून का इरादा थोड़ा ही बदलेगा। कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मोहन, ये सब सहगल का किया धरा है। उसने मेरी मोहब्बत का खून करके मेरे बाप को जिंदगी दी और अब वो तुम्हारी जिंदगी से खेलना चाहता है मोहन, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। चलिए मैम साहब, टाइम हो गया। जाओ मोहन, घर चलो। जाओ। मोहन, मुझे यकीन नहीं आता कि ये खून तुमने किया है, लेकिन घबराओ नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलूं। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। आप मोहन को कब से जानते हैं? मैं मोहन को बचपन से जानता हूं। क्या उसने किटी के बारे में कभी आपसे जिक्र किया था? जी हाँ, मोहन मुझे किटी से इश्क की दास्तानें रोज सुनाया करता था, लेकिन वो हमेशा यही कहता था कि वो किटी के बारे में सीरियस नहीं है, वो किसी और लड़की को चाहता है। उस दूसरी लड़की के बारे में आपने उससे कभी नहीं पूछा? ये राज उसने मुझसे हमेशा छुपा के रखा है। That's all, my lord. आप किटी को कब से जानते हैं? किटी को? जी। किटी को मैं नहीं जानता, मैंने तो उसे कभी देखा तक भी नहीं है। झूठ है my lord, सरासर झूठ है। सच है कि मुलजिम मोहन मकतूला किसी के घर अक्सर आया करता था? तो क्या मैं झूठ बोली? मोहन बाबू हमारी मेन साहब यहाँ रोज रोज आता था और हमारी मेन साहब बेचारी इस जालम की फोटो की रोज रोज आरती उतारती थी। मेन साहब तंगेला। उन सच्ची बात बोलूं जो मोहन बाबू ने अपना सामान और जेवर और मकान गिरवी रखा था। क्या तुमने उससे ये पूछा था कि रुपया किस लिए चाहिए? कुछ घबराहट में था, लगन की बात करता था और हम कुछ नहीं जानता। सुनिए, मोहन बाबू के साथ और कौन आया था? जी मैं पूछता हूँ, मोहन बाबू के साथ और कौन आया था? अकेले ही था, और कोई नहीं था साथ में। जब मैं वहां पहुंचा तो मुलजिम के हाथ में खंजर देखा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा भाई सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी का खून नहीं। मेरा देवर कभी खून नहीं कर सकता। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं कि किटी का खून मोहन ने नहीं किया। इसका सबूत? सबूत? सबूत ही तो नहीं है। मिलाट व मुअज्जिज़ मेंबराने ज्यूरी, गवाहों के बयानात की रोशनी में और उन हालात को मद्देनजर रखते हुए जिन हालात में किट्टी का कत्ल हुआ, ये साफ जाहिर है कि मुलजिम मोहन ने किट्टी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए तनिष्ठा उसका खून किया। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसका फैसला कल सुनाया जाए। अरे मैं पूछता हूँ कि अदालत में तुमने ये झूठ किसके कहने से बोला? अभी झूठ किधर बोला, अभी सच बोला होगा। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारा ये झूठ किसी को मौत की सजा दिला सकता है। हम बोला ना, हम कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, कोर्ट में जाके कह दूँ कि मोहन यहाँ नहीं आया करता था। मोहन नहीं तो क्या तुम ही गिरे आता था? अरे हम तो हमेशा आता था, तुमको तो मालूम है, हम मोहम्मद शाह रंगीले गाना भी गाया। तुम्हें भगवान की कसम, अरे तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, जिसने जिसने तुम्हारे तुम्हें इस दुनिया में जन्म दिया है, सच बोलो। तुम हमारा माँ का कसम काय को देता है? तो फिर क्या करेगा, बोलो, सच बोलो। तुम माँ का कसम दिला है, इसलिए हम तेरे को सच बताते हैं। सैगल हमको 500 रुपया दे रहा था। सैगल यहाँ आया करता था? नहीं। फिर
हमारा चिट्ठी मैम सब सैगल को रोज मिलने को जाता था और वो उधर से आगे कुछ चौपड़ी में रोज रोज लिखता होता था। चौपड़ी में यानी डायरी में लिखता था? वो डायरी कहाँ है? डायरी कहाँ है? टेबल में दी। यही है ना? नहीं नहीं फिर? ये चौपड़ी नहीं, उस पे कितनी मेम साहब का फोटो लगेला है। फोटो? वो डायरी तो मेरे पास है। मोहनी मोहनी मोहनी, असली खूनी का पता चल गया। अब मेरे मोहन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये देखो किटी की डायरी, किटी ने सब कुछ लिखा है इसमें। देखो, आज आज साइकिल से मुलाकात हुई, साइकिल मेरे साथ नहीं, ये असली पेज ये है। एलेक जॉनसन कंपनी का इंजीनियर, साइकिल मेरे सपनों का राजा, मैंने उसे सब कुछ सौंप दिया है। आज मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ये अदालत में पेश किया जाए। अदालत में आप मेरे बगैर जाएंगे? साइकिल जरूरत पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी। आप बड़े शौक से जा सकते हैं। Thank you.
میں ممبران جیوری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا فیصلہ دیں۔ جوری کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ملزم موہن کو کٹی کے قتل کے جرم میں زیر دفاع تعزیرات ہند 302۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ ڈائری اس چیز کا ثبوت ہے کہ اصلی مجرم مسٹر موہن نہیں بلکہ سائیکل ہے۔ یہ دیکھیے، اس تحریر کی جانچ پڑتال کے بعد یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تحریر مقتولہ کٹی کی ہے، اس لیے ممبران جیوری کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس قتل سے مسٹر موہن کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا ایلک جنسنز کمپنی کے چیف انجینئر مسٹر سیگل کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور مسٹر موہن کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا میرا موہن دیکھنا۔ معاف کرنا موہن، میں نے پہچاننے میں بڑی غلطی کی۔ کیا بات کر رہے؟ سوری موہن، موہنی مبارک ہو۔ اچھا میں چلوں گا۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں بھی اپنے لیے ایک موہنی ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ یہ دن دن ہے خوشی کے، یہ دن دن ہے خوشی کے، آ جا رے آ جا میرے ساتھ۔